फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ला क्विजिन। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता की एक नई वैरायटी, तो उसका नाम है वन पॉट पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें लेना है 3 टेबल स्पून बटर। बटर को हमें थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमें लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक डालने के बाद हम इसे 30 सेकेंड तक सौते होने देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन को मैंने बड़े बड़े पीसेस में चॉप किया है, आप चाहें तो लंबे भी पीसेस कर सकते हैं या फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिक्स बेल पेपर। बेल पेपर को मैंने यहाँ पे लिया है रेड और येलो बेल पेपर, आप चाहें तो तीनों भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल्ड टमाटो प्यूरी। बॉयल्ड टमाटो प्यूरी के लिए मैंने 3 बिग साइज़ के टमाटो लिए थे, जिसको मैंने पूरे टमाटो को पानी में 3 मिनट तक बॉईल होने दिया था। फिर ठंडा होने के बाद इसे स्किन निकाल दी और मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। हमें प्यूरी की क्वांटिटी 1 कप लेनी है। अगर आपके टमाटो छोटे हैं तो आप टमाटो की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब हमारे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, इसको हम खोलेंगे और एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे वापस ढक देंगे 2 मिनट के लिए। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ ज़ुकिनी। ज़ुकिनी अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1/4 कप ऑफ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को हमें बॉईल नहीं करना है, डायरेक्ट इसके दाने निकाल के ले लेने हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 TSP टबैस्को सॉस। अगर आपको टबैस्को सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1 TSP पपरिका पाउडर या रेड चिली पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 3 कप ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाली हूँ, मैंने स्पैगेटी पास्ता लिया है। अगर आप नॉर्मल पास्ता लेते हैं तो पानी की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पैगेटी पास्ता जो लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। ये वीट से बनाया हुआ है ड्यूरम पास्ता। इसे हमेशा कुक होने में नॉर्मल पास्ता से ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए। अब हमारे पानी को हमें एक बॉईल आने देना है। तो हमारे पानी में ये बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर हमारी स्पैगेटी डाल देंगे। स्पैगेटी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कुक होने में टाइम लगता है। अगर आप नॉर्मल पास्ता लेते हैं तो आप कम पानी डालें, बाद में भी आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक कुक होने देना है, पर बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। वापस ढक देंगे और वापस इसे 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। इसे एक बार अच्छे से खोल के वापस मिक्स कर लेना है। इस तरह से बीच बीच में इसे हमें खोल के मिक्स करते रहना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पास्ता थोड़ा सा कच्चा है या सही से नहीं पका है तो इस मोमेंट पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका पास्ता एक बार हाथ से चेक कर लेना है कि वो कच्चा तो नहीं है। अगर वो कच्चा है तो आप उसे थोड़ी सी देर और कुक होने दें। ये स्पैगेटी पास्ता है, जो ड्यूरम पास्ता है इसको कुक होने में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल पास्ता के कंपैरेटिवली। अब हम इसको एक बार अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा नॉन स्टिक पैन में ही काम करना है।
तो हमें इस स्पैगेटी पास्ता को कुक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी स्पैगेटी अच्छे से कुक हो गई है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑफ ग्रेटेड चीज़। चीज़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे ताकि स्पैगेटी के अंदर चीज़ और क्रीम का जो फ्लेवर है वो अच्छे से सॉर्ब हो जाए। और अगर आप आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सब को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने ऑलरेडी एक बॉईल किया हुआ है गर्म पानी में। आपको ब्रोकली हमेशा पानी में एक बॉईल लेके ही यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 कप ऑफ ब्रोकली और 1 टेबल स्पून जितना फाइनली चॉप पार्सली। इन सबको डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक इसे कुक होने देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 मिनट हो गए और हमारा ये पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे सर्व कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।